वी आर गिविंग 48 आवर्स टू द करंट एलजी कि आर के गोयल साहब की जो रिपोर्ट है वो शाया होनी चाहिए, वो पब्लिक होनी चाहिए। जिन लोगों ने पैसे पकड़े हैं, जिन लोगों ने बैकडोर ये इस तरीके से पेपर लीक किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। दे आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी वुड नॉट अलाउ दिस। क्या आप जानते हैं, अभी भी जो हमने बताया कि ये जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, 2013 में इन्होंने जो एक्चुअली नोटिफिकेशन जारी की थी 870 पोस्ट के लिए, नियरली 60,000 पीपल हैव अप्लाइड इन। अभी जो बच्चे भी हमारे साथ बैठे थे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के, प्रेस की वसादत से हम एलजी साहब से एक ही बात कहना चाहते हैं कि पिछली हुकूमतों में चाहे चोरी चल रही होगी, आपकी हुकूमत में तो डाका चल रहा है कि 2018 में जो स्कैम आया, 2020 में जो स्कैम आया, खुलेआम एक आदमी आ रहा है गजनफर नबी नाम से, वो ये बात कह रहा है कि मैंने कितने पैसे में पेपर खरीदा, खरीदने के बाद भी उसका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया। अच्छा, जो बाकी लोग हैं, इस तरह से जो सारे बैकडोर आपने अपॉइंटमेंट्स किए, जो आपको जूनियर असिस्टेंट्स अपॉइंट करने थे 2019 में, 39 के 39 एक ही विलेज से। अच्छा, ये जो आपकी लिस्ट आई बाहर, जो अक्टूबर 2020 में जो लिस्ट आई आपकी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की, 8-8 बच्चे एक ही फैमिली से है, 5 भाई एक ही फैमिली से है, 5 भाई 4 कज़न एक ही फैमिली से है, बटगाम के जो एक डार फैमिली है, 9 के 9 अफराद लिस्ट में एक ही फैमिली से, ये कैसे हो गया? अच्छा, आपने जो 2019 में जूनियर असिस्टेंट्स की लिस्ट निकाली, उसमें जो मेरिट लिस्ट, जो बच्चों ने कहा मेरिट लिस्ट आप शाया कीजिए, मेरिट लिस्ट में शाया नहीं हुई। ये सारे स्कैम के बारे में जब खुद फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के जो एस्पिरेंट, जो आज भी सरापा एहतजाज है, जो आज भी माह सियाम के मुकदस महीने में सड़कों पे बैठे हुए जम्मू में प्रोटेस्ट के लिए, इंसाफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उन लोगों ने जब एलजी साहब के साथ मुलाकात की, उन्होंने ये सारे सबूत एलजी साहब को भी दिए। एलजी साहब ने उस वक्त जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे आर के गोयल साहब, उनकी कयादत में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का काम था कि एक महीने में वो रिपोर्ट दे दे कि भाई आखिर स्कैम हुआ है, किसने पैसे पकड़े हैं, बैकडोर से जो लोग आए उनका नाम कॉश होना चाहिए। आज चौथा महीना चल रहा है, अभी भी उस रिपोर्ट का कोई रिपोर्ट मंजरे आम पे नहीं आई है। हम आपकी वसादत से एलजी साहब से यही चाहते हैं कि इस मुकदस महीने में कम से कम हमारे बच्चों को सड़कों पे ना निकलना पड़े। इस मुकदस महीने का कम से कम आप पास लिहाज करिए कि इतनी चोरियाँ हो रही है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हुआ, SI का स्कैम हुआ, जल शक्ति वालों का स्कैम हुआ, और ये तो 10 साल से आप इन बच्चों को रगड़ा दे रहे हैं। 60,000 एप्लीकेंट्स थे, फाइनली जब शॉर्ट लिस्ट हुए 7,000 बच्चे थे। इन 7,000 बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं, इनके फ्यूचर का आपने क्या सोचा है, क्या इसी तरह स्कैम पे स्कैम होते रहेंगे? हमने अभी भी आपसे पहले जब प्रेस से बात की, मैंने यही बात उनको वाजे तौर पर कही।